दोस्तों 12.75 किलोमीटर लंबी ये टनल है जिसके अंदर एक मेमो ट्रेन चला करके इसके कंप्लीट जो है ट्रायल ले लिए गए हैं। ये जो स्ट्रेच है हमारा जो पैकेज वन है दैट इज 10.85 किलोमीटर, मेन टनल भी है एस्केप टनल भी है। सर अगर हम इंडियन ट्रेन की बात करें तो बड़ी अच्छी भी है, साथ साथ वो एक्सपोर्ट म्यांमार को भी एक्सपोर्ट की, फिलीपाइन को भी की, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी कंट्री है जिनको एक्सपोर्ट वो कर रहा है, तो उनका सर मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो हम लोगों ने यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ की है लाइक लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, यहाँ पे जेट ग्राउटिंग जो है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, विच इज़ आई थिंक जो कि पूरा वर्ल्ड में आप मानिए रिकॉर्ड ही होगा, मोस्टली किसी ने अचीव नहीं करी होगी। देखिए एक अलग तरीके का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये धर्म पुल है, छोटा सा पुल है और तुरंत ही हम कह सकते हैं दूसरी सुरंग शुरू हो जाती है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा, जो कश्मीर आपके पास है, जो जीबी आपके पास है, आज तक आप जीबी को सिर्फ इसलिए रेगुलर स्टेट नहीं बना सके। और यह T-48 सुरंग कही जा सकती है, T-48 की जो लाइटिंग है वो आप देखिए। हमारे इंजीनियरिंग की जो बुक्स है ना, और मेडिकल में बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग की हमने ये मैंने 2001-2003 में की थी। अच्छा। तो तब हम इंडिया के इंजीनियर के जो इंजीनियर थे ना, प्रोफेसर थे, उनकी हम बुक्स पढ़ते थे। इंडिया जो है ना, आपको पता है कि दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, सेकंड पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। ऐसे वो बता रहे थे कि उनके ही बच्चे जो हैं वो मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल जी, पसंद करते हैं। कश्मीर के वाम भी अब यही अंदर से चाहती है कि हम जो है ना बजाय इसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलने की बजाय हम जो है ना वो इंडिया के साथ। स्विट्जरलैंड, यूरोप, अमेरिका, आप कंपैरिजन करें उनसे, इंडिया का जब आप कंपैरिजन करती हैं वहाँ पे अगर आप बेसिक पॉवर्टी लेवल, पता है आपको इंडिया का क्या है पॉवर्टी लेवल, इंडिया की अभी भी पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान से कम है। कश्मीर किस एंगल से हमारा, सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी ममलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। मुझे बताएं इंडिया ने क्या अचीवमेंट की है, कोई एक अचीवमेंट बता दें जितनी 1 पॉइंट। अच्छा चाइना देखें, चाइना, हाँ चाइना का यूट्यूब इंडिया की अचीवमेंट से भरा पड़ा है, आज भी उसी चीज पे अटके हुए हैं। ठीक है कि कश्मीर हमारा, भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फौज वहाँ पे नहीं है। कश्मीर वहाँ पे 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी। ठीक है, सर अगर हम रेल्स की बात करें, जैसे कश्मीर के अंदर भी जैसे इंडिया का हर स्टेट डेवलप हो रहा है, आर्टिकल के बाद कश्मीर डेवलप हो रहा है, गेम्स देख ले, एजुकेशन देख ले, इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कश्मीर के अंदर जो ओपन हो गया है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वहां पर चल रही है, मेडिकल टॉप यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर के अंदर बना दिया, ये फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर को ही हो रहा है ना? जी बिल्कुल, कश्मीर को और साथ इंडिया को भी हो रहा है। इंडिया को इस लिहाज से हो रहा है ना कि वो अपने रिलेशन उनके साथ अच्छे कर रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। फिर देखें सर उधर इतने ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे कश्मीर वाली साइड में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। हमारी तो आप बात करी ना, हमारी तो फिर वहीं जाके बात रुकेगी, तो हमने तो रिवर्स गियर लगाया हुआ है ना, हमें शर्म नहीं आती ही नहीं है जब हम कश्मीर का नारा लगाते हैं, शर्म नहीं आती। हम तो जो है ना वो एक मजदूर से लेके ना, आपको सही बताऊं, मजदूर से लेके तो हुक्मरान तक हम जो है ना 2 नंबर लोग हैं। सही बात। एक मजदूर को आप ले लेना, आप उसके सर पे अगर बैठेंगे ना तो वो काम करेगा। बिल्कुल। अगर वो आप उसके सर पे नहीं बैठते ना तो वो काम नहीं करेगा अच्छे, या अच्छे तरीके से नहीं करेगा, या बिल्कुल नहीं करेगा। आप उसके सर से उठ के जाते ना तो वो पीछे सिगरेट पीनी शुरू कर देगा, बहाने बहाने से वो बैठेगा, तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम आगे को कैसे जा सकते हैं, हमने पीछे को जाना ना। तो कश्मीर पाकिस्तान के पास कभी आएगा, आप खुद बताएं, जहाँ पर इतनी तरक्की हो वो पाकिस्तान में आएगा क्या? अब जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है कि अब कश्मीर हमारे पास आए। अब इंडिया ने जो ना वो अपने सामने उधर अपनी खूंटे गाड़ने शुरू कर दिए हैं कश्मीर के अंदर, अब आवाम के दिलों में भी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई है। सही बात है। बल्कि मोहब्बत 100% होगी उनके दिल में मोहब्बत, जाहिर है। अब कोई भी है, कोई गरीब बंदा है, वो अपने से ऊपर वाले को देखेगा ना, अपने से अमीर को ही देखेगा ना, अपने से गरीब को नहीं देखेगा। सर और जो इंडिया की आम आवाम है जो डिफरेंट स्टेट से है, वो भी कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गई है, बहुत अपॉर्चुनिटी। आप देखिए कश्मीरी जो लड़के हैं वो अब इंटरनेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कश्मीर का टैलेंट उठा के दुनिया में लेके जा रहे हैं वो। मिस वही मैंने आपको बात बताई ना कि जो आवाम है ना, जो लोग हैं ना, वो लोग जाहिर है उस तरफ ही जाएंगे जिस तरफ उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
उनकी इनकम बढ़ेगी, वो खुशहाल होंगे। जो जो बंदा खुशहाली की तरफ जाएगा उसको उसको ही फ़ायदा ना, वो उस तरफ तो नहीं ना आएगा जिधर वो और उसको रगड़ा लगेगा। सर पाकिस्तान रेलवे की चले आपसे बात कर रहे हैं, अगर इस टाइम देखें तो 55 बिलियन के खसारा है ये पाकिस्तानी रुपए में, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो 144 बिलियन का खसारा रेलवे को है। इंडिया की रेलवे की बात करें तो 2,40,000 करोड़ इस वक्त उसकी ग्रॉस रेवेन्यू है। तो सर एक सेक्टर की अगर रेल की बात करें तो वो कहाँ खड़ा है और हम स्टिल अभी खसारे में जा रहे हैं? आप देखें, मैं तो जब से सुन रहा हूँ ना, रेलवे हमारा खसारे में जा रहा है, PAA हमारा खसारे में जा रहा है, स्टील मिल हमारी खसारे में जा रही है। असल में सबसे मेन जो है ना, हमारी लोग जो ना, जो अमला होता है, जो रेलवे के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो ये सब दो नंबर लोग हैं, बेईमान लोग हैं। आप देख लें, आप अगर सफ़र करते हैं ना, आप बगैर टिकट के सफ़र करके देख लें, आपको वो डबल ट्रिपल वो फाइन करेंगे, और जो तकरीबन 30-40% वो अपनी जेब में डालेंगे, बाकी जो ना वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। सही हो गया। फिर FBR देख लें, जिस मर्जी आप महकमे में देख लें कि लोग ना दो नंबर ही कर रहे हैं, इस वजह से फिर जाहिर रेलवे खसारे में ही जाएगा ना। और रोड ट्रांसपोर्ट तो आप पते के लिए बड़ी महंगी, अगर आप रेलवे में सफ़र करें ना तो आपको बड़ी मुश्किल से सीट मिलेगी। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं लाइक आई एम हाईली क्वालिफाइड पर्सन, अपने मुँह से कहना नहीं चाहिए, आई हैव डन लॉ MBA एंड ऑल दैट। ये जो इंडिया की लोग बात करते हैं ना, वो उस इकोनॉमी का फ़ायदा क्या जहाँ पे आपके 50% लोग सड़कों पर सोते हो? इस चीज़ को कोई नहीं देखता। अक्सर लोग बात करते हैं जी इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी, वॉट इंडिया की इकॉनमी, वॉट इज इकॉनमी? इकॉनमी ये होती है कि लोग खुशहाल हों। इंडिया की क्या इकॉनमी, वहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है पूरे। हमारे पाकिस्तान के लोग जहाँ भी आप बुरी इकॉनमी के अच्छी कहें, आज भी खाते पीते वो देखें लोग कितना खा पी रहे हैं। इन लोगों की इनकम शायद, आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, हमने हमेशा इंडिया को वॉशरूम पे टारगेट किया है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान से ज्यादा टॉयलेट आज के दौर में इंडिया के अंदर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस चीज पर अब हमें इंडिया को बख्श देना चाहिए, हमें उस पर टारगेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, 1.3 बिलियन आबादी है, क्या अचीव किया? अब देख मैं बताती हूँ, IT में देख लें, उनका सेक्टर एजुकेशन देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें, वो तमाम सेक्टर्स में ग्रो कर रहा है। नहीं, उनका हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है हमसे। मैम वहाँ पे आज भी ये हालात है कि आई एम सॉरी टू से दैट इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड शी वांट्स टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर द डिलीवरी, वहाँ पे इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है। देखिए हम कहें जी आबादी ज्यादा हो गई है, ये रीजन है, वॉट एवर द रीजन में भी इंडिया जो है ना, इंडिया जो हम जनरल बात करते हैं, इंडिया इज नथिंग। मैं इंडिया से दुश्मनी मेरी कोई नहीं है, इंडिया की अभी भी पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान से कम है, ठीक है ना? तो आप कंपैरिजन हम जो बार बार इंडिया का करते हैं ना, आप मुझे बताएं, यू आर इन मीडिया, आपने कभी देखा है इंडिया के लोगों का क्या हाल है? कभी ट्रेनें देखी वहाँ पे छत पे बैठ के लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, वॉट एवर, उनकी आबादी बहुत बढ़ गई। रेलवे निजाम इतना अच्छा हो गया, वंदे भारत वहाँ पे चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पे चलती हैं, आपने तो इंडिया के मतलब रेलवे स्टेशन को भी रगड़ दिया बीच में। वो फिर सड़कों में कुछ होते हैं, आप मुझे बताएं लाहौर में, लाहौर इज लाइक बॉम्बे कह सकते हैं हम, आप यहाँ पे कितने सड़कों पे लोग सोते हुए देखती हैं, सच्ची सच्ची बताएं। सर आप ये इम्पोरियम के बैक साइड पे चले जाएं, आपको झुगियां ही झुगियां नजर आएंगी, झुगियां ना, लोग भी तो सो रहे हैं ना, तो सड़क ही हुई ना, झुगियां ना, फुटपाथ पे सो रहे हैं लोग। आप ये रात को बरकत मार्केट में इधर ही आ जाएं, आपको यहाँ फुटपाथ पे लोग सोते हुए, ये पार्क में चले जाएं, मालशिये जो है वो नीचे चादरें बिछा के पड़े हैं, लोग इन पे मालिश करवाते हैं, सुट्टा पीते हैं और सो जाते हैं, खाते टका के हैं। ये मुझे नहीं पता, इंडिया में आपको पता है, इंडिया में इतनी गुर्बत है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लीज अगर आपने कंपैरिजन करना है ना, तो अगर आपने बेंचमार्क रखना है ना, बेंचमार्क अगर आपने बेंचमार्क कंपैरिजन करना है तो बेंचमार्क कोई अच्छी चीज से कंपैरिजन करें, इंडिया से कंपैरिजन ना करें। पहले शख्स आप देखे हैं जो आप कह रहे हैं कि इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, वहाँ पे बड़ी गुर्बत है, वहाँ पे बड़ी भूख है, अफलास है, और यकीन करें पता लोग क्या कहते हैं, इंडिया से हमारा मुकाबला नहीं बनता, वो चांद पे और हम जमीन पर। मैडम मेरी बात सुने, चांद पे पहुँच गए लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं। दोस्तों कश्मीर में हिमालय को चीर कर बनाई गई भारतीय रेलवे की सबसे लंबी टनल अब बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों इस टनल को बनाने में करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का 3 दिन पहले उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 इलेक्ट्रिक ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की।
उद्घाटन से पहले टनल से ट्रेन को दौड़ाकर ट्रायल भी किया गया था। इसमें एक ट्रेन श्रीनगर से संगलदान तक और दूसरी संगलदान से श्रीनगर तक ट्रेन दौड़ेगी। दोस्तों, इस सुरंग की खासियत यह है कि ये 48 किलोमीटर लंबे बनिहाल श्रीनगर संगलदान रेलवे रोड पर बनाई गई है। ये सुरंग करीब 13 किलोमीटर लंबी है और इसका नाम T50 रखा गया है और इस पूरे रेल लिंक पर 11 सुरंग है। आपको बता दें कि दोस्तों, यह सुरंग बनाने में करीब 10 साल का समय लगा है। इस सुरंग के अंदर 375 मीटर लंबी इमरजेंसी सुरंग भी बनाई गई है जो आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को बचाने का काम करेगी।